श्री दुर्गा नाम महात्म्य। मनुष्य शक्तिशाली होने की महत्वाकांक्षा रखता है। इसी सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी अभिरुचि को लक्ष्य करके सभी प्रयत्न कर रहे हैं। जगत के जितने भी विचार प्रधान प्राणी हैं, उनमें यह अभिकांक्षा स्वाभाविक रूप से दृष्टिगोचर होती है। इसी के अनुसार इस विषय के तत्वज्ञ ऋषि मुनि आचार्य गुरु आदि महापुरुषों ने भिन्न भिन्न पथ निर्दिष्ट करके जगत को उक्त आकांक्षा की सिद्धि के लिए अग्रसर किया है। चाहे वे सारे मार्ग साक्त नाम से अभिहित न हो तथा उस मार्ग के अनुयायी ऐसा मानने में आनाकानी करें, तथापि तत्व दृष्टि से वे सभी साक्त ही हैं, क्योंकि वे अपनी अभिलषित वस्तु शक्ति को चाहते हैं। महत्ता पदार्थ और शक्ति दोनों अविना भाव सिद्ध है, अर्थात इन दोनों में अटूट एवं अपूर्व संबंध है। यद्यपि जगत के सारे मार्ग तथा मनुष्य साक्त ही हैं, तथापि हमारे इस भारतवर्ष में यह शब्द एक विशिष्ट साधना पद्धति का वाचक है और उस पद्धति के अनुसार चलने वाले साधक को ही साक्त कहते हैं। यह सनातन मार्ग अनादिकाल से हमारे देश में प्रचलित है। गुप्त प्रकट रूप में सभी जगह इसका अस्तित्व आज भी विद्यमान है। समय के हेर फेर से इसके मूल स्वरूप में अवश्य ही विकृति हो गई है, तथापि इसकी सत्ता में कोई शंका नहीं हो सकती। सारे जगत के योग क्षेम की अधिष्ठात्री जगन्न माता ही एक तत्व स्वरूप है। उसी की उपासना से जीव अपनी त्रुटियों को हटाकर पूर्णता लाभ कर सकता है, ऐसा सिद्धांत है। उसके अनेक नाम रूप निर्दिष्ट हैं, तथापि दुर्गा नाम सर्वप्रधान और भक्तों का अति प्रिय लगता है। नामार्थ दकार उकार रेफ गकार और आकार, इन वर्णों के योग से मंत्र स्वरूप इस दुर्गा नाम की निष्पत्ति होती है। इसका अर्थ इस प्रकार किया जाता है, दैत्यों के नाश के अर्थ को दकार बतलाया है, उकार विघ्न का नाशक वेद सम्मत है, रकार रोग का नाशक, गकार पाप का नाशक और अकार भय तथा शत्रु का विनाशक है। इस प्रकार दुर्गा नाम अपने अर्थ का यथार्थ बोधक है। इसी के अनुसार देव्युपनिषद में कहा गया है, अग्नि तत्व के समान वर्ण यानी रंग वाली अर्थात लाल वर्ण वाली तपसा अपने ज्ञानमय रूप से प्रदीप्त कर्म फलार्थियों द्वारा वह रोचिनी अग्नि तत्व की शक्ति, विशेष रूप से सेवनीय अथवा विरोचन द्वारा उपास्य श्री छिन्मस्ता स्वरूप वाली श्री दुर्गा देवी की शरण को हम प्राप्त करें, जो असुरों का नाश करती है, उसे हमारा नमस्कार हो। अथवा दु आधर गा, ये तीनों वर्ण अग्नि वर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। दकार को अत्रि नेत्रज या अत्रीस कहते हैं, अतः बीजाभिधान के मत से यह वर्ण आग्नेय है। रेफ अग्नि बीज प्रसिद्ध है। गकार की संज्ञा पंचांतक है, महाप्रलयाग्नि का बोधक होने से इसकी यह संज्ञा है। इस प्रकार यह दुर्गा नाम उक्त मंत्र से उद्घृत होता है। नाम तथा देवता के अभेद रूप से दोनों ही पक्षों में यह मंत्र अपना स्वरूप बता रहा है। सर्वतोभावेन देवताओं के शरण भाव प्राप्त होने पर दुर्ग नामक असुर को मारने से ही श्री दुर्गा जी का नाम प्रसिद्ध हुआ है। यह सप्तसती में भी कहा गया है। अविमुक्त काशी क्षेत्र में जीवों के मरने पर भगवान शंकर इसी पावन नाम का उपदेश देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यह प्रसंग महाभागवत में नारद शंकर संवाद में कहा गया है। इन उक्त प्रमाणों से दुर्गा नाम की महत्ता सार्थक रूप से अवगत होती है। इन्हीं अर्थों को लक्ष्य करके इस नाम की महिमा रुद्रायमल तंत्र में भगवान शिव ने बताई है, जिसमें इसके जपने की संख्या एवं महत्व बताया गया है।
हे देवी, इस दुर्गा नाम की महिमा मैं क्या कहूं। इसी के जप की वजह से मैं पंचानन कहा जाता हूं। प्रतिदिन पवित्र होकर भक्ति पूर्वक 108 बार जो कोई इसे जपता है वह धनी, पुत्रवान, ज्ञानी तथा चिरंजीवी होता है। हे देवी, 1008 बार जो कोई भक्ति से प्रतिदिन जपता है उसके पुण्य फल को सुनो। धनार्थी धन, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करते हैं, रोगार्थ रोग से मुक्त होता है, कैदी बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से, प्राणी पाप से मुक्त होता है एवं पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करते हैं। हे परमेश्वरी, 10,000 जो प्रतिदिन जप करते हैं वे निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हो जाते हैं तथा दूसरे कल्प वृक्ष हो जाते हैं। उसके क्रोध में मृत्यु तथा प्रसन्नता में परिपूर्णता होती है। इसी प्रकार सभी कर्म में वह समर्थ होता है, इसे सत्य ही समझो। हे देवी, प्रत्येक मास में जो लक्ष्य संख्या में जप करता है उसे ग्रह पीड़ा नहीं होती, न उसका ऐश्वर्य ही नष्ट होता है, न उसे सर्प का भय होता है, अग्नि, चोर, अरण्य, जल आदि का भी भय नहीं होता। पर्वतारोहण में सिंह, व्याघ्र, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का भय तो उसे होता ही नहीं। शत्रु भय तथा दुष्ट भय नहीं होता और वह जापक स्वर्ग का सुख का भागी होता है। चंद्र सूर्य के समान कल्प पर्यंत वह द्युलोक में रहता है। 1,000 वाजपेयी यज्ञ करने का फल दुर्गा नाम जप के प्रभाव से उसे मिलता है। दुर्गा नाम के सदृश इस संसार में और कोई नाम नहीं है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक साधकों को यह नाम जपना चाहिए। इसके स्मरण मात्र से सभी आपत्तियां भाग जाती है। इन उक्त श्लोकों में जो अर्थ दुर्गा नाम के विषय में कहे गए हैं वे केवल अर्थवाद या प्रशंसा ही नहीं है, प्रत्युत सर्वथा सत्य एवं अनुभव गम्य है। पुराणों में भी दुर्गा नाम के विषय में ऐसा ही कहा गया है। पद्म पुराण पुष्कर खंड में लिखा है, मेरु के समान पाप राशि भी श्री दुर्गा भगवती के शरण में आने पर नष्ट हो जाती है। दुर्गार्चन रत पुरुष पाप से इस प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे जल में कमल। इस कली काल में नाम जप का बड़ा महात्म्य है। अन्य साधन कठिन, दुरूह तथा सर्व सामान्य के लिए कष्ट साध्य है। उनमें नियम आदि की कठिनता होने से सिद्धि सुलभ नहीं है। यह दुर्गा नाम सर्वथा सुलभ और महान फल देने वाला है, इसलिए इसका स्मरण सर्वदा करना चाहिए। नाम जप से संबंधित एक छोटा सा पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे अपलोड किया है, तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वहाँ से जाके उसे पढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा ही पोस्ट है और बहुत ही उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा।